उपस्थित सभी दादा दादी नाना नानी जितने भी बच्चे थोड़ा शांत बैठेंगे, यहाँ उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम। हमें खुशी के साथ ये कहना है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसा एक संस्था है, ऐसा एक शैक्षिक संस्था है जहाँ बड़ों का आदर सम्मान सत्कार करने की प्रथा प्रचलित है। दूसरे किसी भी विद्यालय व्यवस्था में इस प्रकार की प्रबंधन नहीं है, और शायद इसीलिए हमें गर्व होना है कि हमारे बच्चे और या हमारे पाल्य पाल्या केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी हैं। आप सभी को ये मैं बता दूं, समूचे संसार में देखा जाए ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की शैक्षिक प्रबंधन जो है सबसे बड़ा है। इससे बड़ा प्रबंधन कहीं नहीं है। इतने बच्चों के, ठीक है, और हमें गर्व के साथ ये भी कहना है शायद ये संस्था इतना बलिष्ठ है, इतना सुदृढ़ है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति की जो मूल्यबोध है वो सारे यहाँ समायोजित है। भारतीय संस्कृति की जो भी मूल्यबोध है, साथ ही साथ हमारे संविधान में भी जो कुछ बातें कही गई, विशेष रूप में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्र के कर्तव्य, समाज के कर्तव्य, ये सारे चीज इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंकि हमारे संगठन की जो विजन है, दूरदृष्टिका जो है, वो है एक अच्छे नागरिक पैदा करना। हम खाली शिक्षा नहीं देते हैं, शैक्षिक विकास सिर्फ हमारा ध्येय नहीं है, बल्कि हमें एक अच्छा नागरिक बनाना है। और अच्छा नागरिक बनाने के लिए किसी भी बच्चा का चौमुखी विकास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परिवर्तित परिस्थिति, समय के आधार पर बातें करें, शायद आज कुछ ही परिवार बचा होगा जिसको हम जॉइंट फैमिली या जौथ परिवार कह सकते हैं। आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवर्ती परिवार पसंद करते हैं। थोड़ा मैं